नहीं बचेगी। क्या देख रहा है बे? तेरा वक्त अब खत्म जाने मन, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश बोल डाल। सेहत बना कर मुझे किस चीज से नफरत है? 40 साल से ऊपर के वो लोग हैं जो लंबी चोटी लेकर घूमते हैं। चोटी रखकर ये समझते हैं कि 20 साल के लॉन्डर। चलो एक और बार पूरा जोर लगा दो। शाबाश। निशाना चूक जाएगा। इसको भी अभी बंद होना था। चलो निकले यहां से। अब तुम्हारे खून का बदला तो इन्हें अपने खून से चुकाना पड़ेगा। बच्चे को चुप करा, शायद इसे भूख लगी है। माफ करना। बहुत खूब मिस्टर हीरो, बहुत खूब। तू इस औरत को क्यों मारना चाहता है? चुटकुला सुनाया क्या? नहीं, बस एक पुराना किस्सा याद आ गया मुझे। क्या है कि अक्सर लोग होशियारी करते करते कई बार खुद ही बेवकूफ बन जाते हैं। एक बार एक आदमी होटल में गया और उसने वेटर को आवाज दी और कहा कि बताओ भाई खाने में गरम क्या क्या है। वेटर ने कहा गरमा गरम चाय है। कह लगा नहीं और ज्यादा गरम क्या है? तो वेटर ने कहा कि भाई गरमा गरम दूध है। कह लगा नहीं इससे ज्यादा गरम क्या है? उसने कहा साहब गरमा गरम तवा है, कहिए तो ले आओ। जैसे कोई तैसा मिल गया। बेटा तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जो बंदूक तूने पकड़ी हुई है पहले अपने मालिक की उंगलियों को पहचानती है फिर चलती है, है ना कमाल? इससे थोड़ी हिफाजत बनी रहती है और जुर्म भी कम हो जाते हैं। कौन हो तुम? बोलो नाम क्या है तुम्हारा?
सीरीज तो कमाल की थी। तेरी जान तो गई मिस्टर हीरो, तेरी जान तो गई कमीना। बॉस मैं लाश उठाने जा ही रहा था। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं उन जैसा बॉस नहीं जो सिर्फ एक जगह खड़े होकर अपने आदमियों को यहाँ वहां दौड़ाता रहे। मैं जानता हूँ कि हर एक सेकंड कितना कीमती होता है, ठीक है? अब जरा ये बताएगा कि वो बच के भागी कैसे? हाँ सब ठीक ठाक चला था वहां पर, अचानक उस औरत ने बंदूक निकाली और मेरी समझ में उस वक्त कुछ नहीं आया। और वो आदमी कौन था जो उसके साथ था? मैं कुछ नहीं जानता सर, ये औरत सीधे वहां से भागकर यहां आ गई। ये आदमी बाहर बस स्टॉप के पास बैठा हुआ था, हमने सोचा कि इसे बाद में निपट लेंगे, पहले लड़की को पकड़ते, लेकिन अचानक ये बीच में आके टपक गया और इसने बंदूक निकाल के गोलियां चलाना शुरू कर दी और तभी तो आप आ गए। कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि कोई मसीहा उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया? वाह वाह वाह, क्या सीन रहा, वाह वाह। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर, गोली ऐसी जगह लगी है कि कभी भूलूंगा नहीं। चल अच्छा बेटा, तूने गलती मान ली। अरे मर गया रे। लेकिन अब गलती की है तो थोड़ी सजा तो मिलेगी। जिंदा रहना चाहता तो बच्चा दे दे। Thank you.
सारा काम हो गया है। सुनो, मैं अगली फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है? ओके, आई लव यू जॉन, बाय बाय। जानते हो कि बंदूक एक बीवी से ज्यादा अच्छी क्यों लगती है? नहीं जानता। क्योंकि बंदूक में साइलेंसर लगा सकते हैं। उस आदमी का पता चल गया, वो तीसरी क्रॉस लेन के बाद गार्डन में है। गाड़ी घुमा जल्दी। कोई भला आदमी आकर तुझे जरूर ले जाएगा। अरे बाप रे, देखो कोई अपना बच्चा भूल गया। ओफो, निशाना भी अभी चूकना था। दोबारा आ गए मिस्टर स्मिथ? क्विंटोना कहाँ है? रुकिए, मैडम बिजी है। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। सुनिए, रुक जाइए। मुझे तो लगा था मैडम आपको ज्यादा पसंद है। वो आपकी टेस्ट की है। माफ करना दोस्त, रुकावट के लिए खेद है। लाइन से आओ स्मिथ, यहाँ और लोग भी रुके हुए हैं। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहां से शुरू हो जाती है। सीधे सीधे कहो, क्या चाहते हो तुम? किसका है ये? मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। 5,000 है, कुछ दिनों के लिए काफी होंगे। क्यों, कम है क्या? इसे लेके फौरन यहाँ से चले जाओ। मान भी जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके। स्मिथ, तुम कहीं से इस बच्चे को अगवा करके लाए हो और यहाँ छोड़कर मुझे भी समय फंसा दो। मैंने इसे अगवा नहीं किया, यकीन करो। यकीन करूं? मैं तो तुम्हारा असली नाम तक नहीं जानती। आखिर तुम्हारी असलियत क्या है स्मिथ? मैं इस बच्चे का रक्षक हूँ और बहुत खतरनाक हूँ। इस बच्चे को एक दिन के लिए अपने पास रख लो, जितने दिए हैं उससे दुगने दूंगा।
मैं इसे नहीं रख सकती। ठीक है, शुक्रिया। चलो यहां से, इस औरत के बच्चे को भूख लग रही होगी। शहर में ऐसी जितनी भी नाजायज जगह है जहां लावारिस बच्चे पलते हैं, मुझे वहां की पूरी जानकारी चाहिए। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूं स्मिथ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी, समझते क्यों नहीं? बस अपने होठ इस कप से लगा दो और मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। माफ कर देना। दफा हो जाए ऐसे, थोड़ी देर मुझे अकेले रहने दो। यहां इस खूबसूरत बला के साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी बात का बिल्कुल सीधा जवाब देना। हाँ कुछ देर पहले यहां पर एक आदमी आया था एक बच्चे के साथ। हाँ, लेकिन चला गया। वो चाहता था कि मैं उस बच्चे की देखरेख करूं। और क्या था उस आदमी का नाम? स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ही बताया था उसने। यहाँ आने वाले हर एक आदमी का असली नाम हमें नहीं पता होता। वो अक्सर इधर आता और दूसरी लड़कियों के साथ भी दिल बहलाता, और हमेशा यही नाम बताया था उसने, स्मिथ। बेवकूफ मत बना। मुझे लगता है तुम इससे भी ज्यादा कुछ जानती हो। बस इतना ही कि वो कम पैसे देता था। जितनी बार ये चलेगी उतनी गर्म होती जाएगी। मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। और दर्द शायद ज्यादा ही होगा अगर ये नजदीक से चलाई जाए तो। क्या हो रहा बेटा टकले? वैसे तुम हो तो जाबाज बेटा, पर यहां आके गलती कर दी तुमने। अच्छा, 6 गोलियां होती हैं बंदूक में, तू 6 की 6 चला चुका है। तू तो गया रे टकले। तो तेरा अपनी बंदूक के बारे में क्या ख्याल है? तेरी ये 9mm भी तो खाली है। 8 गोलियां तो तूने छत पे चला दी थी, और एक वहां टॉयलेट में और दूसरी वहां पार्क में उस झूले के पास, याद है कि नहीं? वैसे भी ये बंदूक तूने मेरे आदमी को मार के छीनी थी। हाँ, और ये बंदूक भी बिल्कुल मेरी बंदूक की तरह ही चलती है, उंगलियों के निशान पहचानने के बाद। उंगलियों के निशान मैं साथ लाया हूं ना। उंगलियों ने मिटा दिया तेरा ही निशान। सामान ले लो, हम लोग जा रहे हैं।
देखो ये तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, खुद तो किसी मुसीबत में फंसे ही हो, मेरी भी जान क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या जितने नहीं? भी बकबक करनी है कर ले, जितना चिल्लाना चिल्ला ले, लेकिन मैं किसी चीज के लिए तेरे से माफी नहीं मांगूंगा। समझते क्यों नहीं स्मिथ, तुम्हारी वजह से वो लोग मेरी जान ले लेते। ओए तुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया। सही वक्त पे? थोड़ी और देर होती तो मैं तो गई। एक तो जान बचाई और मुझे ही कोस रही है। कौन सी गाड़ी में चलना है? क्या चलते चलते थक गया हूँ। वो देख अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि आलीशान गाड़ी और एक बीवी में क्या फर्क होता है? नहीं मैं नहीं जानती। गाड़ी जैसे भी चलाओ हर हाल में चलती है। ये बात मुझसे तो मत करो। अच्छा अच्छा है, मुझे खुशी हुई कि तुमको मेरे भेजे हुए फूल पसंद आए। अच्छा सुनो, जरा मैं काम के सिलसिले में फंस गया हूँ तो शायद मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, पर तुम घबराना मत हाँ, मैं टिमी की बर्थडे पार्टी से पहले पहुंच जाऊंगा। सच सच सच, बाय बाय। तुम्हें क्या करता? बोलो, एक गर्भवती औरत के पीछे पड़े हुए थे, मैं चुपचाप बैठकर गाजर खाता। देखा तुमने, नफरत है ऐसे लोगों से मुझे। क्या हुआ? उसने बगैर सिग्नल दिए लेन बदल ली। सिग्नल देता तो क्या जाता इसके बाप का। तो तुमने उन पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी? नहीं, मैं बंदूक नहीं रखता। उस औरत के पास बंदूक थी, उन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई, तब मैंने उन पे, ये फिर शुरू हो गया। जानते हो एक उंगली हिलाओ और सिग्नल चालू होता है, और ये रही ज्यादा इतने आलसी हैं कि अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकते। अगर उंगली नहीं हिला सकते तो साले गाड़ी लेकर सड़क पे निकलते ही क्यों है? जानना चाहती हो क्यों? नहीं लेकिन तुम तो कहोगे। क्योंकि ये रईस ज्यादा बड़ी बेदर्दी से लोगों का खून चूस कर पैसा कमाते हैं, और जब सड़क पर आते हैं तो उसी बेदर्दी से गाड़ी भी चलाते हैं, क्योंकि अब वो उनकी फितरत बन चुकी है। मेरा बस चले तो मैं। तुम इस बच्चे को पुलिस के पास क्यों नहीं ले जाते? मैं उनके पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं? उस वारदात की वजह से। लेकिन वो मुजरिम तो पकड़ा गया था ना? ऐसा उन्हें लगता है। तेरी जात का ठहर। अब देख, तुम्हारे जैसा गरम दिमाग शायद पूरी दुनिया में नहीं। जहां तक मुझे याद है, मेरी यादा तुम्हें अच्छी लगती थी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे पास और कितने आदमी हैं, और कितने इकट्ठा कर सकते हो? मुझे कई आदमी चाहिए, समझ गए बात? बहुत सारे आदमी चाहिए मुझे। मुझे 4 मैगजीन चाहिए, 4 गोलियों के डब्बे चाहिए 9mm बंदूक के लिए, और 50 कारतूस के डब्बे अलग से। इतने में कुछ नहीं आएगा। झूठे कहेंगे, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास $5,000 है। देखो ये होटल के कुछ डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन से गोलियां खरीदने निकले हो? कीमत तो इनकी भी उतनी है। तुम बड़े अजीब हो स्मिथ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। देखो कल ही मैंने खून दिया था ब्लड बैंक में, उनका चेक रखा है मेरे पास, अच्छी रकम है। क्या बात है, खून दे के गोलियां खरीदते हो ताकि दोबारा खून बहा सको? ये सब छोड़ो, अपने पैसे गिनो बस। ऐसा करो कि गोलियों का आधा डिब्बा आज ले जाओ, और बाकी का जब तुम पैसे ले आओगे तो मुझसे ले जाना। ठीक है। तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या कर रही थी तुम? हाँ मैं पैसे कमा रही थी। पैसे कमा रही थी? हाँ, ताकि बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद सकूं। बच्चे के लिए कौन सा सामान? एक बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके लिए किसी खिलौने से ज्यादा जरूरी है। तो जब ये स्कूल जाएगा तब तुम इसे क्या दोगी?
लोग पहुंच गए। कोई आलीशान होटल नहीं है, छोटा सा घर है मेरा। स्मिथ, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसे के वैसे ही हो। बदल के करना क्या है? मिकी तुम्हें हेलो बोल रहा है। क्यों ना मैं इस बच्चे को पुलिस के पास ले जाऊं? बेकार है, पहुंच नहीं पाओगे। वो तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। अब तक तो कई लोग उन्होंने छोड़ दिए होंगे हमें ढूंढने के लिए। मैंने 50 आदमी को इकट्ठा कर लिया है। मुझे लगता है इतनों से अपना काम हो जाएगा। गाड़ी रोको फौरन, वो यहाँ आया था। ओहो, कैसे पता वो यहाँ था? यकीन करो मेरा, जानता हूँ कि कौन कब कहाँ क्या करेगा। न जाने कैसे पर बचपन से ही मैं सब जानने में माहिर हूँ। हाँ, अगर तुम बचपन में मुझसे मिले होते तो शायद किसी भी खेल में जीत नहीं पाते। अब गाड़ी रोको जल्दी। आखिर कौन है जो इस नन्ही सी जान को मारना चाहता है? पता नहीं इस चीज से उनकी क्या दुश्मनी है। इसे चीज कहकर तो मत बुलाओ स्मिथ। मेरे लिए ये चीज ही है। अच्छा बताओ स्मिथ, ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें पसंद है? है ना, मेरा अकेलापन। कुछ ऐसा बताओ स्मिथ जिसके बारे में मैं नहीं जानती। सिर्फ अपने आप में जीना कोई बहुत बड़ी बात। जब तुम गुस्से में होती हो बहुत अच्छी लगती हो। कुछ खाओगी क्या? गाजर? आंखें तेज होती हैं इससे। इतने सारे मकानों में इन्हें कैसे मालूम होगा कि स्मिथ का घर यहीं पर है? क्या ये किसी किस्म का तुक्का है? नहीं, ये तुक्के पे नहीं चलते। वैसे इन्हें कई चीजें दिखती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं दिखती। पहले FBI में काम करते थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ था मैं। ओफो, न जाने ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुम लोगों को। हर धंधे में दिमाग का ही काम होता है। सुनिए, हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ ना हो सर। देखो, बॉस वही है जो सबसे आगे चले, पीछे नहीं। और फिर गोला बारूद में जो मजा है वो किसी और चीज को देखने में। बच्चा रोते नहीं? क्यों ना इसका नाम हम ऑलिवर रख दें? ऑलिवर? हाँ, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट। क्योंकि वो अनाथ था इसलिए? नहीं, वो किताब मुझे पसंद थी। तुम्हें किताब पसंद है? क्यों, नहीं हो सकती? पर कभी बताया नहीं। क्या लगता है कि कौन सा कार्ड अच्छा है, ये टेडी बियर वाला या फिर ये जो कहता है कि बढ़ाओ कदम मर्दानगी की ओर? वैसे बॉस, आपका लड़का कितने साल का है? 8 साल का। और ये सारी जानकारी हमारे सूत्रों के मुताबिक। कमाल है, इतना बड़ा हादसा हुआ टीवी पर खबर नहीं। हमें यकीन है। इस हादसे में बहुत सारी जाने गई, हमें इसकी पूरी जानकारी है। हे, तुमने देखा? क्यों, क्या हुआ? ये देखो, जब भी मंत्री को झूठे वादे करते हुए सुनता है ये रोने लगता है। और जैसे ही चैनल बदलकर म्यूजिक लगाओ ये चुप हो जाता है। अजीब है ना, बड़ाओ के संगीतकार तो नहीं बनेगा। सर, सारे आदमी आ गए हैं। बहुत अच्छे। अरे, क्या कोई जानता है कि हिंदी पिक्चरों में गाने क्यों होते हैं? क्योंकि गानों में तो लटके झटके होते हैं। और अगर इस पिक्चर का मजा लेना है तो याद रहे कि आज उनमें से कोई भी यहां से जिंदा बच के जाने ना पाए। समझ गए? चलो इस मां को भी खत्म कर दें, जाओ। वैसे हैरानी की बात नहीं कि इसे ऐसा म्यूजिक पसंद है। आखिर इसके रखवाले भी तो अजीब हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये बच्चा निकलो।
हम सब सारे उल्लू के पट्टे हैं या फिर ये आदमी बहुत ही लाजवाब। चलो लड़को जल्दी चलो, चलिए आज ये बच के जाने ना पाए। गोली चलाओ, कुत्ते को मार दो। नहीं, क्यों नहीं? मुझे कुत्ते पसंद है। रुको एक मिनट। उल्लू बना गया कमीना। क्या है ये? अरे उस बच्चे का डायपर और क्या। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम आएगा? और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है कि ओलिवर की माँ किसी ऐसे क्लब के पास रहती थी जहाँ इस किस्म का म्यूजिक बजता था, और जब वो पेट में था तब से ही ये म्यूजिक सुनता आ रहा है, इसलिए उसे ये पसंद है। हाँ, इसीलिए जब वो ऐसी जोरदार आवाज सुनता है तो रोना बंद कर देता है। मैं नहीं मानती। देख लो इस वक्त चुप है वो। जहाँ इसकी माँ मुझसे टकराई थी ये क्लब उसके काफी नजदीक है। मैं अब भी कहती हूँ कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वाकई? तो बता सकती हो कि यहाँ इतने सारे डायपर के डब्बे क्यों हैं? कोई इन्हें जमा कर रहा होगा। आओ देखें तो कौन है वो। क्या तुम इस जगह के मालिक हो? कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रही हूँ। क्या कुछ पीना चाहोगी? नहीं। मुझे इस बात का पूरा अंदाजा था कि तुम्हें जेवरात पहनने का बहुत शौक है। ऊपर की मंजिल में कौन रहता? चल निकल यहाँ से। जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग हो कौन? अब बताएगा कौन है वो लोग? एक आदमी इस जगह को 11 महीने के लिए भाड़े पे लेना चाहता था। उसने मुझे पूरे साल का एडवांस भी दिया, लेकिन दोबारा वो आदमी दिखाई नहीं दिया। हमेशा वो पीछे के रास्ते से आया जाया करता था। अब कट ले। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कोई बहुत बड़ा लफड़ा है। सर, मैं बोल रहा हूँ। सभी माओं को जान से मार दिया गया है। फिलहाल एक यहाँ से बच निकली है। हमें उसकी लाश तो मिल गई है, पर उसने बच्चे को कहीं जन्म दे दिया था। वैसे तो सर सारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, इस आखिरी वाले को अब ढूंढना है। शायद इस क्लब के ऊपर हमने जो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री डाली थी अब छुपी हुई नहीं है। वैसे हम बहुत ही अच्छे रक्षक साबित हुए हैं सर। जब ये खचूर यहाँ से निकल जाए मेरे पीछे आ जाना। जी हाँ सर, मैंने सबको बुला लिया है। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे।
हम इस जगह से सारे सबूत मिटा देंगे और फिर दोबारा एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर, खुशी है कि आपको मुझ पर यकीन है। तो दोस्तों चलो हम अपना काम करें। संभल के कदम रखना, चारों तरफ दवाइयां फैली हुई हैं। क्या? मुझे तो लगा था सबसे ज्यादा मर्द तुम्हारे यहां आते हैं, लेकिन कई मर्दों की मदारनी इन बोतलों में बंद है। शायद मैं गलत हूं, इन सबको तो एक ही मर्द ने दान किया है। एक ही ने दान किया है? हाँ, बहुत ही दिलदार आदमी होगा। ये तो बोन मैरो का खून है, शायद किसी इलाज के लिए निकाला गया। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो? शक्ल से तुम्हें डॉक्टर नहीं लगता। मैं बोन मैरो के ऑपरेशन में लेने और देने वाले का ब्लड ग्रुप एक ही होना चाहिए, और अगर उनका डीएनए भी एक हो तो खतरा काफी हद तक टल जाता है। तुम्हारा मतलब ये लोग यहाँ बच्चों की पैदाइश करवा रहे थे ताकि किसी इंसान का बोन मैरो ऑपरेशन हो सके? हाँ सही कहा, और कोई दूसरा है जो नहीं चाहता कि ऑपरेशन कामयाब। इसलिए वो लोग ओलिवर की जान लेना चाहते हैं। नहीं मेरा बच्चा मत रो। मैंने एक आदमी को यहाँ बुलाया था जिसे मैं जानता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, जानती हो मुझे किस चीज से नफरत है? लो फिर शुरू हो गया। वो फिल्में जिसमें हीरो एक आदमी को अपनी मदद के लिए बुलाता है और वो आदमी उसे ही फंसा देता है। हाँ ठीक कहा तुमने, वैसे मुझे भी ऐसी फिल्में पसंद नहीं। मैंने अखबार वालों को, रेडियो वालों को, सभी टेलीविजन वालों को भी खबर कर दिया और पुलिस को भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ रुककर खबरें देखनी चाहिए, एक बार ये खबर लोगों तक पहुँच गई तो शायद हमारी जान बच जाए। देखो आखिर थक के सो गया ये बेचारा। बड़ा बदमाश है ये, जैसे ही तुम सोने जाओगी झट से उठ के रोने लगेगा। तुम किसी भी चीज से खुश नहीं होते हो ना, हर चीज से नफरत ही करते रहना। तुमसे तो नफरत नहीं है। क्या इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लाए हो? तुम जानती हो तुम्हें क्यों लाया हूं। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया है। हम बच जाएंगे यकीन करो मेरा। तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे। क्या? तुम इस बच्चे को मेरे पास इसलिए लाए थे ताकि मैं इसे अपना दूध पिला सकूं। एक बच्चा जो शायद कभी भी मौत का शिकार हो जाए, लेकिन तुमने ये पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि आखिर मेरी अपनी औलाद का क्या हुआ। ठीक कहा, मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। नहीं, सब मेरी गलती थी। जैसे मेरी मामा हमेशा कहा करती थी, किसी पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। क्या हम पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं? शीशे के घर में रहकर पत्थर से नहीं खेलना चाहिए, है ना? जानते हो स्मिथ, शायद मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत किससे है, खुद से। क्या हुआ था तुम्हारे बच्चे को? अब जाने भी दो। नहीं, बताओ मुझे। मेरे दलाल ने मेरे पेट में घूंसा मारा था, मेरे बच्चे ने मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया था। मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा तो पसंद है तुझे ये? इसे बंदूक कहते हैं।
ये पकड़ा, ये खींचा, ये ब्रिज, ये बैरल और ये ट्रिगर, और यहां आकर सारा खेल खत्म होता है। इसे किसी भी ऐसी चीज की तरफ मत मुड़ना जिसे तुम मारना नहीं चाहते, और ये सबसे जरूरी चीज है, इसे सेफ्टी लॉक कहते हैं, और इसे हमेशा बंद रखना ताकि गलती से भी किसी बेकसूर की जान ना जाए। पर बेटा, इससे दूर ही रहना अच्छा है। क्या कुछ खाना चाहोगे? इजाजत अंदर आना मना है। ये देखो, ये भी हैमरसन कंपनी की बनी हुई है, लेकिन इसे बाजार में आने में भी 6 महीना बाकी है। अजीब बात है, सभी आदमियों के पास यही बंदूक है। बुरी खबर सुनाना भी मत। क्या आप जानते हैं कि वो कितने आदमियों का खून बहा चुका है अब तक? मैं अपना कीमती दिमाग इन फालतू चीजों में क्यों जाया करूं? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा होने से आपके शरीर में से एक एंजाइम जिसका नाम हाइड्रोक्सिलेज है वो निकल जाता है, जिससे कुछ देर के लिए आपका दिमाग धीरे चलता है, लेकिन इस वक्त मुझे अपना दिमाग तेज दौड़ाना है। ये सब आप कैसे जानते हैं? मेरा बेटा हमेशा डिस्कवरी चैनल देखता है। अब चलो यहाँ से वेस्ट साइड चले, मुझे उनको इतला देनी है। अपने हीरो के बारे में पता चला है भाई। बस और बहस नहीं, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब मुझे भरोसा हो कि तुम दोनों ठीक ठाक हो, और यही एक जगह है जहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस टैंक में? हाँ, ये M24 टैंक है। इस पे ना तो गोलियों का असर होता है और ना ही किसी बम का। तुम पागल हो गए हो? हो सकता है, पर जो कह रहा हूँ सुनो। पर इसके अंदर जाना तो सख्त मना है। फिक्र मत करो, मैं तमाशा करके सबका ध्यान बटाता हूँ, तुम अंदर घुस जाना। मैंने बच्चे के खाने के साथ साथ थोड़ी गाजरें भी डाल दी है, कुछ दिन तो तुम दोनों यहाँ आराम से काट सकते हो। ये लो। जानती हो ना इसे कैसे चलाना है? हाँ, पर अगर तुम वापस नहीं लौटे तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का यकीन दिला सकते हो? जरूर दिला सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता जब माँ अपने बच्चे को मारती है। तुम होते कौन? पहले तुम बच्चे को मारना बंद करो। मैं अपने बच्चे के साथ जैसा चाहूंगी सलूक करूंगी। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें दो लगा दूं तो? हाँ? हाँ?
बोलो, अब बोलो, नहीं अच्छा लग रहा ना? नहीं ना? क्यों मार रहे हो मुझे? हे, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? चुप, फंसो मत। तुम किस नतीजे पर पहुंचे? बकबक करने के अलावा भी कुछ किया तुमने? देखिए मेरी काबिलियत पे बिल्कुल शक मत कीजिए। दरअसल मेरे जो पापा थे वो बहुत ही होशियार थे, इसलिए मैं भी उन पे ही गया हूँ। जैसे कि अकबर का बेटा सलीम था, वो भी एक बड़ा बादशाह, और गावस्कर का बेटा, वो भी एक अच्छा खिलाड़ी। मेरा बेटा भी एक अच्छा वीडियो गेम का खिलाड़ी, लेकिन मैं भी कोई बुरा खिलाड़ी नहीं हूँ भाई। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर हैमसन। 1968 में गोला बारूद की तस्करी में काफी रोक लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अंग्रेज अमरीका चले गए थे। अब देखिए मेरा एक आदमी यहाँ एयरपोर्ट पे लगा है जो उनके बच्चों की तलाश कर रहा है, समझे आप? उनमें से अगर एक भी लड़का मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। शायद तुम सिर्फ फालतू की बातें करना जानते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। ओ डची, बैठ जा, ये ले, ये खा ले, ठीक है? मेरा आदमी लगातार उन तस्करों के बच्चों की खोज में लगा हुआ है, और उन्होंने एक ऐसे लड़के को ढूंढ लिया है जिसे सिर्फ 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मिला था। शायद फिर वो सेना में भर्ती हो गया था, पर उसके बाद उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। उसका निशाना बहुत ही कमाल का था, अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी, और इसी से मैंने कुछ नतीजे निकाले। नतीजे? सिर्फ नतीजे ही निकालते रहोगे कि कुछ करोगे भी? एक आदमी तुम्हारे इतने आदमियों को मारकर खुला घूम रहा है और अपना कानून चला रहा है, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जानते हो हमारे देश में लोगों को बंदूकें क्यों पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं कि उनको दिखाने में या किसी हीरो की कॉपी करने में बड़ा मजा आता है। लोगों को बंदूकें इसलिए पसंद हैं क्योंकि अमेरिका में ढेर सारे तरीके हैं और मौके हैं कि कोई गरीब आदमी आसानी से रईस आदमी बन जाए, और एक नपुंसक भी सीना तान के मर्द बन जाए अगर उसके हाथ में बंदूक है तो। कहीं तुम भी वो नपुंसक तो नहीं जिसके हाथ में मैंने बंदूक दे दी है? नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है। मैं एक मजबूत आदमी हूं, डर तो मुझसे कोसों दूर भागता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी को और उस बच्चे को सुकून की नींद सुला दो। हाँ सर, ऐसा ही होगा। मेरा बच्चा, सो जा, घबरा मत, डैडी जल्दी वापस आएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। वाह 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 मिस्टर हीरो, तुम तो बिल्कुल हाथों के पीछे ही पड़ गए हो। वाह, पीछे तुम पड़े हो। मैं वादा करता हूं कि जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे बता दो कि वो औरत और बच्चा कहां है। मैं डर गया। ओ क्या बात है, ये निशानेबाजी किससे सीखी? कमांडो ट्रेनिंग, CIA या फिर आर्मी से? हाँ, चाहे किसी से भी सीखी हो, लेकिन तुम्हारा निशाना अभी बहुत अच्छा है भाई। अभी तो अंदाजे से चला रहा हूँ, निशाना लगाना तो अभी बाकी है। जानते हो यहाँ जो मेरा बॉस है वो ही सोचता है कि तुम बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हो, या वैसे ही कुछ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने सुना तुम्हारे बीवी और बच्चे मारे गए थे। बाप रे, कितनी बुरी खबर होगी। बस अचानक कोई आदमी एकदम से दुकान में घुसता है और चारों ओर गोलियां बरसाने लगता है धनाधन।
ओह कितनी बुरी बात है, बेचारा तुम्हारे मासूम बीवी और बच्चे दोनों की जान खाली 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 चली जाती है। क्या हुआ, तुम्हें कहानी पसंद नहीं आई क्या? तो फिर तू मुझे कोई कहानी क्यों नहीं सुनाता? कोई बच्चों की कहानी सुना? ओ समझ में आया, मेरी पसंदीदा कहानी वही जो तूने शुरू की है उस बच्चे के साथ। मैं कहानी वो सुनाऊंगा कि तू हमेशा के लिए सो जाएगा। चलो चलो, तुम्हारे हाथ खोले होते तुम ताली जरूर मारते ना। खोल कर तो ठीक। चल शाने, फेंक दे अपनी बंदूक। क्या वो मारा गया? पता चल गया इस बच्चे को कौन मारना चाहता है। कौन? वही आदमी जिसका नाम हैमरसन है, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। हैमर असला और बारूद बनाने वाले उसके बाप ने करोड़ों बनाए हैं और अब ये उसी धंधे को आगे बढ़ा रहा है। तो क्या इस सब से तुम्हें ये पता चला कि आखिर ओलिवर का बोन मैरो किसे चाहिए? नहीं। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये तो वही है, सेनेटर रटलेज। अगर ये राष्ट्रपति बन गया तो हैमरसन का पूरा धंधा बंद करा देगा। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हें यकीन कैसे है? वो आदमी जो क्लब के ऊपर मेरा था कह रहा था हम अच्छे रक्षक हैं और एक खुफिया एजेंसी भी है जो मंत्रियों को अंगरक्षक मुहैया कराती है। यानी रतले जी वो आदमी है जिसे बच्चे की जरूरत है। यानी अगर हम इस आदमी से मिले तो हम सुरक्षित हैं और सब ठीक हो जाएगा। तुम पागल हो? इसका मतलब यही आदमी हैमरसन के साथ मिला हुआ है और पूरे देश की सरकार हमारे पीछे लगी है। तुम दोनों को ये शहर छोड़ के जाना होगा, तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है। ये लोग तुम्हें ट्रेन हवाई अड्डे सब जगह पर ढूंढ रहे होंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम ये इस बस में निकल जाओ। तब तक मैं सब कुछ पता लगाकर बस छूटने से पहले ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। पर अगर हमारे निकलने से पहले तुम वहां नहीं पहुंचे तो मैं उतरू कहां पे? अच्छा होगा अगर मुझे भी पता ना हो। क्या? यकीन करो, कुछ मत कहो। स्मिथ, तुम्हें लगता हम कामयाब हो पाएंगे? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, सब ठीक होगा।
सीट बेल्ट नहीं पहनने की सजा है। साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओहो, इसने मुझे दोबारा उल्लू बना दिया। एक छोटी सी टेप और खिलौने की डॉल रखी। तू याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जाने का वक्त हो गया मेरे बच्चे। मुझे सेनेटर रटलेज के सुरक्षा अधिकारियों से बात करनी है। कहो एक आदमी जिसके पास छोटा बच्चा है। हेलो, तुम स्मिथ हो ना? बड़ा अच्छा काम कर रहे थे तुम बच्चों का अस्पताल खोल के, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। सिर्फ तुम ही लोग इस शहर में जिन्होंने ऐसा किया है। मेरी बात मानो, जैसा हम कहते हैं करते जाओ। देख बेटा, अच्छा होगा हम ये काम प्यार मोहब्बत से कर लें। मुझे सिर्फ सेनेटर से मिलना है। ठीक है, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उत्तरी कैरोलिना के लिए कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। शायद 3 दिन बाद लौटेंगे। चाहो तो उनके साथ चले जाओ। 2 घंटे में उनकी फ्लाइट है, एयरपोर्ट पहुंचो। अगर जरा भी गड़बड़ लगी तो अपने साथ सबको छोड़ा दूंगा। क्या कर रहे थे तुम? ये बंदूक साफ करा था। अच्छा, जानते हो हमने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें जान से मार दे। हम तो बस तुम्हें डरा रहे थे। ये अच्छा तरीका है बताने का कि तुम्हारे आदमियों का निशाना कमजोर है। सेनेटर रटलेज अभी यहाँ से निकल रहे हैं। वो जल्द ही उत्तरी कैरोलिना पहुंचेंगे और अपने सारे दल के साथ इस समारोह में अपनी जान जान लगाएंगे। तो आप सब कर्जदार हूँ मैं तुम्हारा। तो ये वो जगह है जहाँ तुम अपना वैश्य खेल खेलते हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। टीवी में तो फिर भी अच्छे दिखते हो। हल्का सा मेकअप इंसान के चेहरे को बदल देता है। हाँ, नशे के इंजेक्शन भी। तो तुमने सारे भागों को जोड़कर पूरी कहानी तैयार कर ली। बहुत होशियार है मिस्टर स्मिथ, बहुत होशियार। आसान था। तुम ही एक ऐसे मंत्री हो जो असला बारूद की कंपनी बंद कराना चाहते थे ताकि बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। हो सकता वो लोग इस वक्त मुझसे नाराज हो। बस उस दिन का इंतजार करो जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तब मैं असला बारूद की सारी गैर कानूनी कंपनियां बंद करवा दूंगा। शायद इसमें वक्त लग जाए पर मैं करूंगा जरूर। बदकिस्मती से तुम बीमार हो और उन्हें तुम्हारे बच्चों के अड्डे का पता चल गया है, और बस उन्होंने सब खत्म कर दिया। बच्चे मार दिए ताकि तुम भी मर जाओ। सही कहा। कहां है मेरा जीवनदाता? जानता मुझे किस चीज से नफरत है। झूठ से। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हैमरसन से मिले हुए हो, है ना? छोड़ो मुझे। जानता हूँ, जब तुम उसके साथ गंदे इरादे बना रहे थे तब उसकी कुतिया आकर तुम्हारी गोद में बैठ गई थी। उसके बाल अब भी तुम्हारे पतलून पर लगे हुए हैं। क्यों सच खाना? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। चलो अब ये नाटक बंद करो और जाने दो मिस्टर रटलेज को। ये तो आज मेरे हाथों मरेगा। जानते मुझे किस चीज से नफरत है? दोगलों से। और तू सबसे बड़ा दोगला है। इसमें इसकी भी क्या गलती है? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना, दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना? मैं समझाता हूँ। रटलेज हमें बुलाया और कहा कि हमारे धंधे को बिना रोक टोक के आगे बढ़ाया जा सकता है। उसने हमें यह भी बताया कि अगर उसकी जान बच गई तो हम चाहे कुछ भी करें। एक नन्ही जान का शिकार कर दो खुलेआम। ओफो, इसमें तुम भी ना। अरे बंदूकें लोग थोड़ी ना मारती हैं, वो तो सिर्फ डराती हैं। पीछे हटो, पीछे हटो, हट जाओ वरना जान ले लूंगा इसकी। मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अपनी जिंदगी बचाने का। मुझे यहाँ का राष्ट्रपति बनना है। राष्ट्रपति जनता की सुरक्षा करता है और तू इस वक्त मेरी सुरक्षा कर रहा है। देश में काफी कुछ बदलाव ला सकता हूँ। ये बकवास लोगों को सुनाना। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहा। हट जाओ पीछे। अपने लिए तो सभी करते हैं। अपने लिए? तू जाकर दरिंदों से मिल जाएगा। एक सलाह देता हूँ मुफ्त में, जो सिर्फ फायदे के लिए तुम्हारे साथ हो उन पर कभी भरोसा मत करना। वो बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। देखो स्मिथ, बेवकूफी मत करो, खेल खत्म हो चुका है। तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे।
तुम्हारे दोस्त में तुम बच के नहीं जा सकते। शायद मैं ना बचूं, लेकिन वो लड़की और वो बच्चा जरूर बच जाएंगे। अगर आज मैंने रटलेज को मार दिया तो फिर उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं बचेगी, वो चैन से जी पाएंगे। वैसे भी रटलेज, तुम्हारी मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलेगी। तुम्हारे चाहने वाले पागल हो जाएंगे और तुम्हारी पार्टी से भी तुम्हें बहुत सहानुभूति मिलेगी। जो भी काम तुम करना चाहते हो आराम से हो जाएंगे, तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। गोली मत चलाना। सुनो स्मिथ, मारना है तो मारो, पर एक बात याद रखना। उन्हें मार दिया साले ने, साला कमीना। जाने ना पाए कमीना। बिल्कुल भी हिलना मत मिस्टर हीरो। देखो मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता डार्लिंग, मैं भी बहुत जरूरी काम कर रहा हूं। बाय बाय। मत मेरी प्यारी डची, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कम से कम अगले कुछ सालों तक तो नहीं। वाह 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 वाह, कोई तो है जिसने हमें इतना दौड़ाया और हमें इतना उल्लू बनाता चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा था, क्यों है ना? जिंदगी जहां से शुरू हुई थी आज घूम के वहीं पर आ गई। जिंदगी घूम के तुझे मौत के पास ले आई। वैसे तेरी बहादुरी की मैं दाद देता हूं। अब जरा जल्दी से बता दे कि वो बच्चा और औरत कहां है। बता दे, मुझे मजबूर मत कर वरना मैं तेरे जख्मों को नासूर बना दूंगा। नासूर भी तेरी घटिया बकवास सुनने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूं, कहां है वो औरत और बच्चा? तो फिर इसका भी वही हाल होगा जो पहली का हुआ। चिल्लाना बंद कर, अगर तेरी आवाज निकले तो मेरे सवाल का जवाब ही निकले। अब ये सब क्यों कर रहे हो? सब तो खत्म हो चुका है। अभी नहीं, कुछ देर में हो जाएगा। वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए,
क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ा काम मिला है। मेरा मतलब क्या है कि मैं सिर्फ हैमरसन के लिए काम नहीं करता था। अब ये नई बकबक क्या कर रहे हो तुम? जब लोगों को पता चलेगा कि तूने प्लेन में घुसकर सेनेटर की जान ले ली, इससे तो मेरा नाम ही खराब हो जाएगा इस धंधे में। तुम कुछ भी कर लो, ये सच नहीं छुपा पाओगे। नहीं है, शायद तुमने अभी तक एक न्यूज नहीं सुनी। सेनेटर का प्लेन पूर्वी समंदर में जाके गिर गया और उन्हें अभी तक सेनेटर की लाश तक नहीं मिली है। सुना तुमने? तो एक बार अपना मुंह खोलो और बताओ कि वो बच्चा कहाँ है, फिर मैं सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लूंगा। बोलते क्यों नहीं हो? मैं अब तुमसे दोबारा पूछता हूँ, अगर मैं बच गया तो सोच तेरी उंगली का क्या? जानते हो, जब मैंने अपने लड़के को बचपन में मारा तो उसने भी यही कहा था। लेकिन मैं तेरी जान लूंगा। क्या बात है, अभी भी तुझ में जोश है। वाह वाह, बात खो। आदमी जिसने रेस्टोरेंट में गोलियां बरसाई थी, उसने तेरे ही बाप की दुकान से कारतूस खरीदे थे जो दुकान तू चला रहा था, और वही गोलियां तेरे बीवी और बच्चे की जान के दुश्मन हो गई। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊं, पहाड़ में जा तू। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूं मैं। बंदूक चलाने में बड़ा मजा आता है ना हैमरसन? तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल हीरो, अब बस बेकार, वैसे तेरे साथ बिताया गया वक्त बड़ा अच्छा। अब जल्दी से मुझे अपनी असलियत बता दे, इससे पहले कि मैं तेरी ये जान लेने पे मजबूर हो जाऊं। चल बता। दोबारा बोलना। मैंने कहा इससे पहले तेरी जान। बस, जान किसकी जाएगी अभी देखते हैं। तेरी बीवी का फोन है। कैसे उठा ले? वो मुझे छोड़ के जा रही है। जानते मुझे किस चीज से नफरत है? No.
उन शख्स से नफरत है जो बंदूक के सारे बहादुर बनता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सेनेटर रटलेज की लाश आज मिल गई है। एफबीआई ने तहकीकात शुरू कर दी है। वो लोग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही सबका पता लगा लेंगे। मेरे बच्चे, माँ काम करते हुए भी तुम पे पूरा ध्यान रखेगी। जल्दी सारे पैसे मुझे दे। सबके सब जगह पे जम जाओ। हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा। उसने कहा ना जम जाओ। अपनी ये सुड़सुड़ी बंद कर। सुना ना सब लोगों ने, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। पैसे निकाल। जानता है मुझे किस चीज से नफरत है। मुंह बंद कर वरना इधर ही खलास कर दूंगा।